ये लो भाई, ये मेरी तरफ से भाई आपको। मुझे हाँ अच्छा भाई, थैंक यू थैंक यू। तो भाभी के लिए गजरे के लिए। अबे दरवाजा बंद नहीं करो यार, अबे नहीं करो, अबे नहीं करो, अबे नहीं, अबे नहीं करो। मेरे ब्रांड का मुझे ही परफ्यूम नहीं दे रहे यार। तो निकलेगा उसका नीचे से। अरे सर नहीं निकल, निकल जाएगा, निकल जाएगा। मैंने अंदाजा लगा लिया है। नहीं निकल रहा। सो गाइस, रात के बज रहे हैं भाई 3। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं अभी जा रहा हूँ भाई सबा को पिक करने उसे घर से। सो कल घर छोड़ा था रात के टाइम। प्लान मेरा ये था कि यार सहरी जो है ना वो सबा के घर पे ही कर लेते हैं। क्या फायदा भाई इतनी रात को जा रहा हूँ, वापसी लेकर घर आके करूँ। लेकिन आज के व्लॉग में जो है ना वो सरप्राइज है यार। मेरा जो बड़ा भाई है, एटीट्यूड बॉय जनाब, वो जा रहे हैं उमरे पे रमजान में। तो आज के व्लॉग उनके नाम और उनके लिए। हमने जो है ना ऑलरेडी जब वापसी घर आ रहा था तो मैंने इसके लिए गजरे और एक फूल ले लिया था, क्योंकि मुझे हार नहीं मिला था, क्योंकि हार की दुकान बंद थी। असल में ये उसने भी सरप्राइज रखा हुआ था और मैंने भी रखा हुआ था। असल मुझे पहले से पता था। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ अच्छा, भैया के लोगों को भी अल्लाह हाफिज कर देगा। पापा पास आ गए हो भाई, पहुँच गए जी घर। चलो भाई ऊपर चले, चलो। कोई नहीं आ रहा वहां से। गुड्डे का आशरी उठाया हुआ मैंने। तो गाइस घर में आया तो मॉम जो है वो पराठे बना रही हैं। और मॉम ने आज सालन में क्या बनाया? मॉम आज नियारी बनाई है, मंगवाई है? अच्छा बाहर से। भाई मुबारक हो, भाई मुबारक हो, कल जनाब जा रहे हैं। मुबारक। कोई भी नहीं सोता क्या तुम घर में? क्या भाई, लोग शहरी में सोते हैं और शहरी में उठते हैं। लोग तो जागते ही रहते हो। चिमकादड़ हो गया गेम खेले? पापा उठ के गुस्सा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सुना मैंने कल भी गुस्सा किया था आपने? नहीं किया था। खेलते ना यार गेम, एक खेलेंगे बस। तो खेल लिया भाई गेम और अब बैठ गए इसी के साथ सहरी पर। अरे पराठे पराठे, बस बस बस। अरे आज तो बड़े अच्छे पराठे बने यार। हाँ मॉम ने पराठे बनाए पापा, जिसको मिस कर रहे थे 3 दिन से। गाइस ये है भाई बेस्ट पराठे, दी बेस्ट। असल पता है क्या है, मॉम के हाथों के हम कब से खाते हुए आ रहे हैं ना, तो हमें मॉम के हाथों की आदत हो गई है। तो बन चुकी है भाई मेरी प्लेट और फटाफट से करते हैं सहरी। भाई बासिल की चेयर तो आ गई। बासिल किधर है भाई? बासिल सहरी नहीं कर रहा क्या भाई? कंट्रोल छोड़ दो जल्दी, करा दो। खाना भी आ गया आपका भाई, बहुत ज्यादा खाना आ गया। कंट्रोल क्यों लिया भाई? अब ये जब बैठेगा ना पराठा लेगा तो आप कंट्रोलर ले लीजिए बेटा। चलो ये खाओ, चलो। ये यहीं पे पड़ा हुआ, यहाँ पे पड़ा हुआ, देखो ये रहा। दादा ने कंट्रोलर ले लिया भाई। हाँ हाँ खा लो। अच्छा ये लो, अच्छा ये ले लो। नहीं खाओ, ले लो भाई। आज कंट्रोलर खाओ, आज कंट्रोलर खा लो। इतनी क्या प्यार है सो कंट्रोलर से भाई। भाई इसको सब पता है कौन सा कंट्रोलर असली है कौन सा नकली है। तो गाइस सहरी हो गई डन, बासिल गया सोने और काफी जल्दी हमने कर ली है भाई सहरी। हम तो 5 बजे सहरी खत्म करते हैं अपनी, आज हमने 4:15 बजे खत्म कर दी। काफी जल्दी कर ली सहरी यार आज हमने, तो हमें काफी ज्यादा टाइम है। अभी भी हम मैच ही खेले थे, अब दोबारा से मैच लगाते हैं। एक मैच खेलेंगे भैया के साथ जो है ना वो आखिरी मैच। हाँ लेकिन आके फिर खेलेंगे। भैया हार आ गए हैं, हार पहनाने हैं। अरे वाह, ये लो भाई ये मेरी तरफ से भाई आपको। मुझे हाँ अच्छा भाई, थैंक यू थैंक यू। तो भाभी के लिए गजरे के लिए। गाइस फर्स्ट टाइम जो है ना भैया अकेले जा रहा है भाई उमरे में। सर भाई हम लोग साथ गए थे भैया को यार जो है ना समझा को सुंदू का भेजना, अकेले जा रहे हैं भाभी। तो भाई सबने कह दिया भैया को गुड लक, मुबारकबाद दी। बाकी हाँ सुबह भी तुम्हें छोड़ने जाना है, सही है। सैन मैं फरिया और बासिल और सबा जाएंगे भैया को छोड़ने। तो गाइस अब जो है ना वो आधा घंटा बचा है भाई सहरी खत्म होने में। तो यार अब जो है ना मैंने वजू करना है, नमाज पढ़नी है और उसके बाद सो जाना है। तो ब्लॉग को मैं सेंड करता हूँ, मिलता है कुछ बोर्ड। अभी ये लोग खेल रहे हैं, इसको भी सुलाना यार। गाइस मॉर्निंग, सारे जो रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज जुम्मा भी है और बस इन लोग को छोड़ने जा रहा हूँ मैं। बैग किधर है? बैग पहुँचा दी नीचे। पटक भी उठ गया है पटक। अरे वो पहले भाग रहा था, उसको जल्दी लेके आई तुम्हें छोड़ने की भाई। अरे आराम से आराम से, अरे अरे आराम से आराम से आराम से, इधर आ जाओ। तुम बिल्ली नहीं हो, तुम भी उधर ना घुस जाओ, बिल्ली की तरह उधर देख रहे हैं। आ जाओ, ये उसको देख रहा है किसने गिराया है। ये बिल्ली तो नहीं है कहीं, उसी को देख रहा है किसने गिराया है। टाटा टाटा। तो भाई अभी अभी उठे थे और डायरेक्ट जो है ना बस वो निकलना ही था, क्योंकि अभी उठे तो यार मैं 8 बजे और उठ गया मैं 11 बजे। गाइस फटाफट छोड़ते भैया को, फिर आके जो है जुम्मे की नमाज पढ़नी है और जा रही है भाई हमारे यहाँ से 2 गाड़ियाँ, एक टमाटर लेके जाएगा और एक मैं। ओए आ जा बंद हो जा भाई, खुल जा सिम सिम। अरे वाह भैया जो हमारी गाड़ी में बैठ गया, बाकी भाभी जो है उस गाड़ी में बैठ गई, ताकि जो है ना वो दोनों गाड़ियाँ एयरपोर्ट के अंदर आ सके। अदरवाइज फिर एक गाड़ी चली जाती अगर दोनों एक गाड़ी में होते तो, और एक गाड़ी रह जाती। पहुंचते में डायरेक्ट एयरपोर्ट, इसकी फ्लाइट है 4 बजे की, लेकिन काफी जल्दी जा रहा है यार 4 घंटे पहले। बस जा रहे ना यार, मैं तो 3-2 घंटे पहले जाता था, लेकिन हो जाती है बोर्डिंग शोर्डिंग। पहुंच गई थी, लोगों ने वो देखो आराम पहने में। अभी बाहर उतर के देखते हैं, अभी जो है ना ऑडियंस कम आई है, मतलब
कम है लोग अभी सुबह सुबह सो के उठे तुम लोग जल्दी आ। अमेरिका जब फ्लाइट होती है तो बड़ा रश होता है एयरपोर्ट पे, लेकिन आज रश नहीं दिख रहा, शायद हम काफी जल्दी आ गए। तो भाई बैग शेक निकाल दी है और अब जो है ना टोटवा जा रहा है भाई। अल्लाह हाफिज़, टाटा, टेक केयर, गिफ्ट शिफ्ट लेकर आना और बहुत सारी दुआएं करना, ठीक है? ओके ओके। ओ तेरी, इसे तो मार दिया यार। जो जो चाहिए मैसेज कर देना, ठीक है? अगर तुम लोग 10 चीजें मैसेज करोगे तो उसमें से एक चीज जरूर ले आऊंगा। डन। हाँ सैरी में एक बार माल बैग की भी सैरी। हाँ सैरी में, ठीक है ठीक है, मैं तुम सबके लिए ले आऊंगा वापसी में, लेकर आएगा ना तो वापसी में। तो देखो वो कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, निकल निकल के जा रहा है। हाँ इसको मजा आता है जिसने निकल के जाने में। सबाई कैसा लगता है एयरपोर्ट पे सर मारता अपना? ये उस दिन एयरपोर्ट पे सर मारे इसने, क्या घर तो भी पढ़ ली नमाज। अगर एडवर्ड बॉय होता ना तो वो भी हमारे साथ जाके पढ़ता, बट एडवर्ड बॉय ने तो भी हमने याद करा एडवर्ड बॉय को। और मुझे लगता है कि एडवर्ड बॉय का जो रोजा है ना वो भी शायद जहाज में खुला है, शायद हाँ हो सकता है, याद हो दुबई में। तो दुबई पहले पहुंचेगा तो 2 घंटे पहुंचेगा तो 6 बज जाएंगे। बाटू दुबई में खुलेगा उसका, दुबई में। तो भाई घर तो आ गया, लेकिन घर में जो है ना वो सारे जो है ना रेस्ट कर रहे हैं, सारे लेट चुके हैं और बासिल भी अपना सो रहा है। यार मैं सोच रहा हूँ क्या लेटे लेटे करूंगा, तो क्योंकि सो भी नहीं सकता, अगर सो गया तो फिर अफ्तारी में ही उठूंगा, तो इससे अच्छा मैं चला जाता हूँ गाइस ऑफिस, थोड़ा बहुत सा कर लेते हैं काम। और ये लोग भी रेस्ट ही कर रहे हैं। आपका रोजा हो और आप उठ जाओ जल्दी, इतने सारे काम कर सकते हो आप, इतने सारे, तो चलते हैं भाई। हुई 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 गाइस, क्या गर्मी हो रही है भाई, आग निकल रही है भाई चीट से। तो 2-3 दिन मौसम सही रहा, अभी मौसम जो है ना काफी गर्म हो गया है। अबे भाई इतना बड़ा बबल रोल, ओ भाई साहब क्या कह रहे हो भाई, कितने दिन में खत्म हो जाता है ये? पूरे दिन ना लग जाए इसको पाड़ते पाड़ते, 10-15 बंदे हो, एक तो इतना मजा आता है इसको पाड़ने में, लेकिन कस्टमर पाड़ते होंगे जब परफ्यूम लेते होंगे तो। वो यार मेरे पास जो है ना वो गाड़ी में परफ्यूम खत्म हो गया, तो मैं ये ले जाता हूँ भाई, अब हम इसको ट्राई करते हैं। क्या हो गया है यार ये गाइस, ये लोग बोल रहे हैं कि पैसे देके जाओ, अब मेरे ब्रांड पे मुझे, मैं पैसे क्यों दूं यार, समझा करो थोड़ा यार। यार देखो बात सुनो, पिछले 3 महीने का 4 महीने का प्रॉफिट नहीं लिया ना, अगले महीने का फिर नहीं देना यार, खैर है यार फ्री में देता अभी यार ये वाले यार, यार मैं कभी एक लेके जाता हूँ महीने में यार, 2 लेके जाते हैं। मैंने भी लेके गए थे यार, जैसे लोग पैसे मांग रहे हैं ये बोल रहे हैं कि 2,000 रुपए के और 2,000 रुपए पूरे दो, फ्री में लेके जाऊंगा यार, फिलहाल तो नहीं सर पैसे देने पड़ेंगे, मैं लेके जाऊंगा फ्री में यार। नहीं दरवाजा बंद नहीं करो यार, अबे नहीं करो मेरे ब्रांड का मुझे ही परफ्यूम नहीं दे रहे यार अभी यार। तो भाई निकल चुके हैं घर के लिए भाई ऑफिस से, और आपके भाई ने जो है ना वो बजा दिया है भाई फ्री ऑफ कॉस्ट टू बाय मास अफजर, अब रखूंगा इसको गाड़ी में, लेकिन ड्राइवर जाएगा अगर उसने बोल दिया कि मास भी मुझे चाहिए तो मुझे फिर उसको देना पड़ेगा यार। तो अभी जो है ना घर निकलते 6 बज गए यार, अब बस पहुंच जाए अफ्तारी से पहले, लेट्स गो भाई, पहुंच गए जी घर। पापा तू आ गए, टोपी तो लगा लो भाई पापा की, ओहो इन्ना बारा मुन्ना भाई, ओए ओए लगा लो भाई टोपी लगा लो यार, अरे वाओ पकड़ियो रमजानों में जो है ना मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि भाई सल्यूट करो अपनी घर की खवातीन को, क्योंकि सहरी इफ्तारी और काम काम काम, कुछ ना कुछ बनाना बनाना बनाना, आम रूटीन से ज्यादा हेक्टिक रूटीन होती है आप लोगों की, पता है रमजान में। मैं देखता रहता हूँ ना, जब भी मैं जरूर अकेला उधर होता हूँ आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो, फिर देखता हूँ तो कुछ ना कुछ कर रहे हो, ये एक इधर से सल्यूट, एक इधर से सल्यूट और एक पप्पी भी मम को। अभी आप तो एक बहू तो काम कर रही है, एक रह गई है, आपको मिस कर रही हूँ उसको, अभी तो पहुँच तो जाए बेचारे, भाभी को मिस कर रही हूँ तुम अपनी? हाँ कह रही हूँ, तो मेरी दोस्त है और इसलिए मैं उनको ज्यादा मिस कर रही हूँ। हटो ये क्या कर रहे हो, हटो ये बेर निकाल के तुम क्या बॉल समझ रहे हो उसको, हटो यहाँ से, उल्टी सीधी बातें कर लो, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज सीखी है, कच्चा बेर खा रहा है और इसको ना बॉल समझ के फेंक रहा है। रख दिया कोई मुंह में डाल के वापस रख दिया भाई। एक रोजा खुलने लगा है, अफ्तार कर लें भाई, लो अफ्तार कर लें, अफ्तार खेल लो इनके साथ, करो अफ्तार, चलो बासिल पहले अफ्तार खुल जाती है, लो ये अब आप पापा ये सब चीजें फेंक रहा, फिर फेंक रहा, हाँ बाबू डर लगा। तो गाइस यहाँ पर मेरी भी भाई जो है ना ट्रे बन चुकी है, प्लेट तो नहीं कह सकते ट्रे ही है, तो इसमें आलू की चाट आ गई है, समोसे, रोल, पापड़ ये इसके साथ खाने के हैं, और ये पकोड़े आ गए, और ये है भाई मेरी फ्रूट चाट। बाकी घर में तो छोले ही बनते हैं, दही बड़े ही बनते हैं, और ये कभी कभार बाहर से कुछ आ जाता है, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं खाता, मैं जस्ट सिर्फ यही खाता हूँ जो प्लेट बनी हुई आपके सामने। तो
खाओ 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 कर रहा है पूरी गंदगी कर रहा है। कुछ बोलो भी नहीं सकते उसको, गंदे ही करे हम कुछ बोलेगा उसको बोले नाटक बात हो गया बहुत लड़की हो गया जी बहुत। ये सब गंद कर रहा है इसको सिर्फ यूं देख रहे हैं ना हम क्या कर रहे हो ये गया भाई बादल फस गया भाई। अरे आराम से ये नहीं ऊपर नीचे से निकालना पड़ेगा मम्मा जी 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 मम्मा इधर से आ जाओ चलो निकलेगा इसका नीचे से। अरे सर नहीं निकल निकल जाएगा निकल जाएगा मैंने अंदाजा लगा लिया है नहीं निकल रहा। ये फंसा कैसे मतलब हमने क्या नहीं लगाया था। अच्छा ये हमने नहीं लगाया था तो ये नीचे नीचे जाते हैं ना इधर फंस गया। तो गाइस अफ्तारी करने के बाद बढ़िया है भाई आपके भाई का फ्रेंड बचपन का भाई कैसे आना हो गया भाई रास्ता भूल गए थे जापान से पाकिस्तान का याद थी। अबे बस कर दो बेगम ने बुलाया है भाई ये बंदा सोलो वहां रहता है अभी बेगम को यहाँ छोड़ के हमारी बेगम तो हमें एक सेकंड नहीं छोड़ती बड़ी यार छोड़ेगी बड़ी यार बड़ी क्या एक्सपीरियंस है यार वहाँ पर अकेलापन है। अकेलापन नहीं इतना है लेकिन इतना भी नहीं है है लेकिन इतना भी नहीं है यार। अगर आप लोग को नहीं पता आपने देखा होगा आपके भाई का एक जापानी फ्रेंड है बड़ी पान नाम था यार गाइस बड़ी पान नाम था इसका तो याद आया छोड़ भी दिए तो छोड़ भी दिए बड़ी को बताया तो बड़ी पान आया दोबारा से तीन साल बाद मिल रहे साढ़े तीन साल बाद गाइस हमारी दोस्ती बड़ी दूर दूर की हो गई यार। सो गाइस अभी मैं आया हूँ भाई फिशरी और इस वक्त मैं हूँ भाई लॉन्च के ऊपर जहाँ से भाई मछली को पकड़ने जाते हैं वो बोट है भाई ये गाइस देख सकते हो भाई ये बोट होती है जहाँ से इतनी सारी जो है ना वो मछलियाँ आती हैं पूरे फिश बाजार में गाइस। अभी हम पूरी मंडी है मछली की के 12 बजे इतना रश है ना मतलब फिश मार्केट दिन रात जो भी टाइम हो ना रश ही रश होता है। अभी मैंने काफी ज्यादा मछली देख ली है गाइस और मुझे पता लगा है कि यार एक मछली ऐसी है जो कि सबसे महंगी होती है बहुत ही किस्मत वालों को लगती है। गाइस आपको जो है ना थोड़ा शिप का जो है ना मैं ओवरव्यू दे दूं कि शिप में क्या क्या होता है मतलब ये पूरी जो है ना वुड की बनी हुई शिप और दूसरा ये जो है ना ये है इसका एक इंजन ये आ गया इसका दूसरा इंजन और ये जो है ना गाइस इधर से जाल को पकड़ के ऊपर लेकर आते हैं जो मछली नीचे फंसती है। तो मुझे लगता है चलाने वाला जो है ड्राइवर वो एक ही होता होगा या दो भी होते होंगे क्योंकि ये जो बोट नहीं जाती है गाइस 30-30 दिन के लिए समंदर पानी में और ये देखो लाइन से बोट खड़ी हुई है ये देखो चूल्हे है जैसे ला चुका ना। अच्छा ये खाना वगैरह लेके जाते हैं 30-30 दिनों के लिए 30 दिन का खाना इधर ही बनाते खाना क्या ये। अच्छा ये रूम अंदर इसके रूम है इनका। अच्छा जो जाते हैं कितने लोग जाते हैं यहाँ पर टोटल 22-23 बंदे जाते हैं। ओके 30 दिन का सामान लेके जाते हैं एक साथ। सो गाइस जो मछली की बात कर रहा था वो मछली भाई ये है इसको कहते हैं सुआ मछली एक पीस दो पीस और आपको अगर मैं कीमत बताऊं एक मछली की शॉक हो जाओगे ये एक मछली जो है ना 20 लाख रुपए की एक मछली है ये 20 लाख और इसमें से जो ना कट लगता है इसका पोटा बाहर निकलता है जो कि मेडिसिन में काम आता है हार्ट पेशेंट के लिए काम आता है और ऐसा ही है और किसके लिए काम आता है बस यही है कट करें यही दो चीजें बिस्मिल्लाह करो भाई मछली कट रही है इसमें से कोई अच्छा पीस निकलेगा गाइस अभी पता लग जाएगा कि क्या सीन है भाई निकालो निकालो क्या है भाई बिस्मिल्लाह क्या निकला है भाई क्या सही निकला अल्हम्दुलिल्लाह ये जो निकला है ना सिर्फ इसी के 20 लाख रुपए दूसरी पड़े सारे क्या निकल रहा है भाई क्या निकल रहा है ये देखो इतनी सारी सुबह मछली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 लगा लो भाई 20 लाख से 19 मछलियाँ भाई जैसे तुम्हें शौक लगा है ना उस तरह मुझे भी शौक लगा वाकई एक मछली 20 लाख रुपए की। हाँ भाई वाकई ये 20 लाख रुपए की कुछ मछली हमने घर के लिए भी ले ली है। कहाँ है मछली हमारी यार ये रही भाई रख लो मछली भाई भाई देख के चलो थैंक यू। सो गाइस निकल पड़े हैं भाई वापसी घर के लिए बड़ी पान को हमने छोड़ दिया घर और अब हम चलते हैं अपने घर। मॉमी लेट हो गया सॉरी मछली लेकर आया हूँ। हाँ क्या करूँ ब्लैक पॉपलेट ज्यादा लगी ना देखा ज्यादा लगी देखा बहुत गंदा निशान है गाइस बासिल के ना दो बार लग गई है और एक बार तो खून भी निकल चुका है और एक बार जो है ना अभी पिटते पटते बच गया ज्यादा लगी है बहुत शरारती हो गया मैं क्या करूँ अभी बहुत शरारती हो गया भाई। तो इस व्लॉग को जैसे एंड करता हूँ कल का व्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ तो कि मैं लेट पहुँचूँ घर पे तो इस व्लॉग को एंड करते हैं बाय बाय लव यू टेक केयर। मूड खराब हो गया अच्छे मूड से आया था बासिल के ऊपर रोता देखा ना मूड खराब हो जाता है तो कह लग जाती है ना चोट तुम इधर लगती है मेरे इधर बाय बाय लव यू टेक केयर लाइक मिस कर देना बाकी कल देखते हैं क्या होता है। Oh, oh, oh.
मैं भी।